हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है गाइज फिर मैं आ गया हूँ एक हिस्टोरिकल प्लेस में। और आज जो है मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कुली खान का मकबरा। जी गाइज, और ये कुली खान था कौन, तो आज जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना पूरा हिस्ट्री बताने वाला हूँ और आपको जो है ना कुली खान के मकबरे का अंदर से अंदर जो बारीकी से बारीकी चीज़ है वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और कुली खान था कौन वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेरे पीछे जो है ना ये गुंबद वाली इमारत देख रहे हो, जस्ट उसी के सामने है कुली खान का मकबरा। तो चलिए गाइज हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी जो है गाइज मैं मेहरौली के जंगल में हूँ और एक जंगल में जो है ना काफ़ी खूबसूरत पार्क है। इस तरफ आप देखोगे मेरे बैक साइड में आपको कुतुब मीनार दिख रहा होगा गाइज, ठीक है। तो यही पास में ही जो है वो कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर के दूरी पर जो है ना ये कुली खान का मकबरा है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना मेरे पीछे ये कुली खान का मकबरा है। तो चलते हैं गाइज, इधर से तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, उस तरफ से हम जाएंगे और ऐसे रास्ते से हम जाएंगे कि कुली खान का जो मकबरा है वो काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ पर बनाया गया है। काफ़ी सारी सीढ़ियों को चढ़ करके जो है ना हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है गाइस। दोस्तों ये कुली खान का जो है ना दरवाज़ा है अंदर जाने का मकबरे पर, लेकिन उसके मकबरा पर जाने के लिए जो है ना 4 सीढ़ी चढ़नी होगी। काफ़ी ऊंचाई पर है ये जो दर दिख रहा होगा, उसके सामने में देखोगे आप छोटा सा वो कुली खान का मकबरा है। तो अभी जो है ना हम सीढ़ी पे चलते हैं। ये सीढ़ी पर चढ़ने के बाद में ये एक दर आ गया, इसको जब हम पार करेंगे ये आप देख रहे होंगे ऊपर का स्ट्रक्चर, और अब जो है इसको हम पार करेंगे। और पहले उससे पहले हम ऊपर का व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को, ये देख रहे हो। यहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा छोटा सा दर वो है कुली खान का मकबरा। अभी हमें और ऊंचाई पर चढ़ना होगा, अभी और ऊंचाई पर चढ़ेंगे हम। ये काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है, इसको कहा गया है कि ये पहाड़ियों पर बना हुआ है। और ये जो रास्ता देख रहे हो आप, यहाँ पर जो है उस ज़माने में पानी भी आया करता था। अभी जो है गाइस हम ऊपर आ गए हैं एक बार फिर, और हमें ऊपर चढ़ना होगा ये वाला जीना। तो फाइनली जो है दोस्त हम आ चुके हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर जैसे हम चलेंगे तो यहाँ पर जो है हमें जो है ये कुली खान का मकबरा दिखेगा। ये देख रहे होंगे आप, ये छोटा सा मेहराब दिख रहा है। यहाँ से देखो आप, मैं अब इस साइड आ गया हूँ। उधर से आप लोगों को दिखाने का रीज़न था कि मेन एंटर गेट है। यहाँ से देखो आप, ये जो आप देख रहे होगा गुंबद दिख रहा है, ये छोटा सा मेहराब है और उसके ऊपर जो गुंबद के अंदर जो एक झरोखा है, इसके पास में चलते हैं। यहाँ से आप देखोगे, जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और काफ़ी जो है वो पुराना इमारत हो चुका है। तो अंदर की तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पर है ना गाइज हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर देखोगे तो पूरे में जो है वो कुरान की आयत लिखी हुई है। ये देखो आप किस तरीके से लिखा गया है कुरान की आयत, पूरा ऊपर तक है और ऊपर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और ये पूरे दरवाजे पर जो है ना कुरान की आयत लिखी हुई है। और यहाँ जो है सामने में कुली खान का मकबरा था, लेकिन वो अब नहीं है। जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई थी 1830 में तो इस कब्र को हटा दिया गया था। और यहाँ सामने आप देखोगे मेहराब है और इसकी कारीगरी देखो गाइस की कितना ज़बरदस्त है, नीले कलर से ये छोटे छोटे से मेहराब के ऊपर, ये देख रहे हो आप गुम्बद पे। उस ज़माने में जो है ना सब्ज़ी के पत्तों से और नील के पत्तों से, कलर तो होता नहीं था तो नील से ही जो है ना इसके ऊपर है ना पेंट किया गया है। आप देख सकते हो, ये देखो आप, ये पूरा नील का कमाल है। उस ज़माने में जो है ना कलर वगैरह नहीं था, ये पूरा नील से जो है ना कितनी बारीकी से जो है वो कारीगरी दिखाई गई है। अब तो ना तो ऐसा कारीगर मिलेगा और नहीं ऐसी नक्काशी मिलेगी, ये देख सकते हो आप। सब्ज़ी के पत्तों का ही है ना कलर निकाल करके बनाया जाता था उस ज़माने में। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कितना खूबसूरती से जो है ना इस मकबरे को जो है ना वो बनाया गया था अंदर से, लेकिन अब जो है इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। ये देखो आप, छोटा सा मेहराब हमें दिख रहा होगा और ये जो है गुंबद है ऊपर का,
काफ़ी जो है कंडीशन जो है वो ख़राब है। ये मुग़ल के ज़माने का है बना हुआ, अकबर बादशाह ने बनवाया था इसको, लेकिन मकबरे को देख के ऐसा लगता है कि ये लोदी काल का बना हुआ है। बाहर की तरफ आएंगे हम गाइस, इधर तो देखेंगे कि कुछ टूटे फूटे से इमारत है, और यहाँ से जो है हमें जो है कुतुब मीनार जो है वो दिखता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से दिखेगा कुतुब मीनार, ये देखो आप, बहुत पास में है यहाँ से कुतुब मीनार है, ये देख सकते हो आप, जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो आप बहुत पास में है। और ये पीछे का जो है ना, सॉरी नीचे का जो है वो है व्यू है, मैं नीचे भी आप लोगों को लेके चलूँगा अभी, और नीचे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ये देख सकते हो आप, एक गुफा है कब्र के अंदर जाने का, क्योंकि ये जो मेन कब्र है वो नीचे है। और ये जो दरवाज़ा मेहराब आप देख रहे हो, ये यहाँ पर भी जो है ना कुरान की आयत लिखी हुई है। और अब जो है गाइस हम नीचे की तरफ आ गए हैं, नीचे देखोगे आप कि कितने सारे जो है ना वो दर बने हुए हैं, और ये सुरंग है, ये अंदर की तरफ जाना अलाउड नहीं है, वरना मैं अंदर का व्यू दिखाता, अंदर कब्र की तरफ जाता है ये रास्ता, ये गुफा टाइप में बना हुआ है। उस ज़माने में कब्र जो है वो नीचे हुआ करता था और चबूतरा जो है वो ऊपर हुआ करता था, ज़्यादातर बादशाहों के ज़माने में। अब जो है गाइस हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको व्यू, इधर से देखो, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं चोरी छुपके वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, गाइड जो है वो मना कर दिया है कि यहाँ पर जो है लोग हॉन्टेड जगह बताते हैं, भूतिया घर बताते हैं, इसीलिए मना कर दिया है वीडियो बनाने से। फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, यहाँ से देख सकते हो आपकी कितना ज़बरदस्त है। और ये कुली खान का मकबरा है, जो अकबर बादशाह के मुँह भोले भाई थे, और उनके भाई का भी जो है ना यहाँ पर कब्र है। यहाँ से एक बार व्यू देखो आप, इतना ज़बरदस्त है। 1830 में जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई थी, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने जो है ना इसको अय्याशी का अड्डा बना लिया था, अपना पिकनिक का अड्डा, इसका नाम दिया था दिलखुश पार्क। दोस्तों कुली खान था कौन, आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुली खान जो थे वो महामंगा के दूसरे बेटे थे। आदम खान जो थे ना, जो अकबर बादशाह का मुंह बोला भाई था, जिसने अकबर बादशाह को ना है ना पाला था, परवरिश किया था, महामंगा जी, उस उनके जो है ना महामंगा के दोनों बेटे थे, एक था आदम खान और दूसरा था कुली खान जी। गाइस यही वो कुली खान का जो है ना वो मकबरा है, और आदम खान का मकबरा अगर आप लोगों को देखना है तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार के लेफ्ट हैंड पर जो है ना आदम खान का जो है ना टॉम आपको मिल जाएगा। इस मकबरा को जो है ना अंग्रेज़ों ने अपना जो है ना क्या नाम है पिकनिक का अड्डा भी बना लिया था। और पिकनिक का अड्डा क्यों बना लिया था, क्योंकि इनके है ना कब्र के पास, इनके टॉम के पास जो है ना काफ़ी खूबसूरत पार्क है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो आप कितना खूबसूरत पार्क है, ये देख रहे हो, इस पार्क में मैं काफ़ी देर बैठा हूँ अभी, ये देख रहे हो आप, काफ़ी खूबसूरत पार्क है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। आई होप कि ये व्लॉग जो है ना आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज आप लोगों को जो है ना मैंने पूरा फुल व्यू दिखाया और इसका इतिहास बताया, ठीक है गाइज। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। अगर आप दिल्ली में हो तो यहाँ विजिट ज़रूर करो, अगर आप दिल्ली से बाहर हो तो आप मेरे इस चैनल पर विज़िट करो गाइज, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप घर बैठे बैठे जो है ना इस तरीके का हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो घूम सको, ठीक है गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।